अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टकोर बनाने का तरीका बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से रॉड की तमाम ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रोगों में जान पैदा होती है, रॉड के पट्टे मजबूत होते हैं। आपने बहुत सी वीडियो में मेरी देखा होगा कि मैं अक्सर ज़्यादातर तेल बनाने का तरीका बताता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा नुस्खा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, अपनी मिसाल आप है। रॉड के तमाम तर नकाइस को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल भी कुछ कम नहीं है। रॉड के तमाम तर नकाइस को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। वो बिल्कुल आसानी से बन जाने वाला नुस्खा है, कोई इसमें मेहनत नहीं होती। आपने करना ये है कि आपने जायफल लेनी है 10 ग्राम, और 10 ग्राम ही आप ले लें अस्कंदा गोरी। आपने इन दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से कूट लेना है, और कूट के इसका पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसे कूटना है, पीसना नहीं है। आपने इनको कूट के इसकी आप 10 ग्राम की एक पोटली बना लें, ये दो पोटलियाँ बनेंगी 10 ग्राम की इसकी। आपको चाहिए होगा एक छटांक गाय का दूध। अगर आपको गाय का दूध मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त है, गाय का दूध ले लें आप एक छटांक। इसको मलमल के कपड़े में 10 ग्राम पाउडर को बांध लें, बांध के इसकी पोटली बना लें, और उसको दूध को जो है गाय के दूध को आप पकना रख दें। जब गाय का दूध पक के उबलना शुरू हो जाए तब इस पोटली को आप इसके अंदर डालें, ठीक है। पोटली जब इसके अंदर डाल के इसको छोड़ दें और दूध को कम से कम 4 से 5 मरतबा उबलने दें। 4 से 5 मरतबा दूध उबल जाए तब इसको नीम गर्म होने दें। जब दूध नीम गर्म जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके उतना कर लें, और उस दूध से जो है वो आप अपने रॉड की टकोर करें। रॉड के तमाम तर नकाइस को दूर करने के लिए ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है। रॉड की टकोर रॉड के तमाम तर नकाइस को दूर करती है। रॉड का कुर्रापन, दरमियान से पतला होना या जड़ से पतला होना, ठीक है, ग्रोथ का रुका हुआ होना, लोगों का ब्लॉक हो जाना, रगों का ब्लॉक हो जाना, इन तमाम तर नकाइस का अजाला करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।